ये तो मिलती है सिर्फ तारीख पे, तारीख तारीख पे हो जाता है सर। अपना 303 था नंबर भी अपना 303 और थोड़ा लास्ट में था मिले था तो, लेकिन हिम्मत रखी आप सबकी वजह से, आप सबका सहयोग रहा। अंदर से नहीं पहुंच सकते आप, पास नहीं बन सकता सबका, लेकिन बाहर से परमात्मा के लिए तो पास की जरूरत नहीं है ना, आत्मा के लिए तो जरूरत नहीं है पास की, वो तो बिना पास के भी पहुँच जाता है। तो आपका अंदर अंदर आत्मा आत्मिक और धार्मिक सहयोग रहा कि वहाँ पर जब हमने मेंशन किया तो उन्होंने कहा 12 बजे आपको सुनेंगे, आपका मेडल लेंगे। फिर एक बात आई कि वो ऑनलाइन जुड़ेंगे तो ऑनलाइन कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सुन लेंगे। फिर उन्होंने उसको जब 12 बजे सुनवाई हुई तो 12 बजे ऑनलाइन को जुड़े तो आवाज़ बढ़ा दी जिससे हम भी पूरा सुन सकें। उधर से क्योंकि अपील उनकी थी तो सरकार की तरफ उन्होंने पक्ष रखा पूरा, अब उनका पक्ष रखा, हमारा बीच बीच में जो हमारी क्वारी थी बीच में इंटरप्ट करने का काम होता है कि ऐसा गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, इतना इतना सब वो सब होता रहा, चलता रहा। 1:20 तक कोर्ट ने सुना, 1:20 तक आपका मैसेज सुना गया और सुनने के बाद फिर लंच हो जाता है। फिर उसको स्पीडी सुनने के लिए रिक्वेस्ट की हमारी, जल्दी सुनवाई हो क्योंकि उन्होंने कहा था छुट्टियों से पहले सुन ले, तो भगवान ने और आपकी सुन ली अच्छी कि ये जो मंडे आ रहा है उसको और उसको भी सुनवाई होगी अपने मैटर में, उसको मंडे को सुनवाई होगी, तो मंडे को भी आऊँगा और मंडे को भी सुनवाई होगी। मंडे के लिए कहा है तो मंडे को फिर सुनेंगे, सुने। और एक थोड़ी सी कॉपी वगैरह नहीं देते थे हम लोगों को, तो वो मैंने मेंशन कर दिया कोर्ट में कि कॉपी कोई सप्लाई करते नहीं है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि सारी कॉपी सप्लाई कर दी। हम तो नोट कर लेते हैं उनके पढ़ने से जवाब से, लेकिन फिर भी कॉपी मिलती तो और अच्छा रहता, तो उसमें ज़्यादा अच्छा बन जाता है जवाब, तो वो हो जाती है, तो इसलिए उस आधार पर कॉपी भी ले लेंगे। अब आपकी थोड़ी जिम्मेदारी कोर्ट में, तो आप सबके प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से समझ गया मामला, कोर्ट भी पॉजिटिव थी, कोर्ट की जो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस का प्रभाव था वो चीज़ें पढ़ रहे थे, एजुकेशन एलिमेंट्री की किताब सेक्शन 6, 7, 8 पढ़ रहे थे, उसमें फ्री एजुकेशन की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की, वो दे पैसे दे, ये थोड़ी हमारे सिर पे फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अब डॉक्टरों के सिर पे ही अगर फ्री स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे, स्वास्थ्य सुविधा देने जाने लगे कि डॉक्टरों फ्री मन को इलाज करवाएंगे आपसे, तो फिर क्या उद्देश्य रह जाएगा। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं